students, today I am going to start our chapter 3 and 4 of class UKG. Okay students, chapter 3rd mein aapko padhna hai, 3rd and 4th mein, sound of A. Sound of A. A ki dhwani. A ki dhwaniya kya hoti hai? Dhwani kya hai? जैसे कि हम एक कोई वर्ड बोलते हैं जिसमें ए होता है तो उसका उच्चारण हम कैसे करते हैं, साउंड ऑफ ए. तो ए की चार ध्वनियाँ होती हैं मुख्य रूप से. हम यहाँ व्यास पढ़ेंगे ए की चार ध्वनियाँ होती हैं मुख्य रूप से. फर्स्ट में है आपका ए का उच्चारण हम करते हैं ए के रूप में. फिर है आपका ए का उच्चारण हम करते हैं आ आ के रूप में. उसके बाद थर्ड में है आपका ए, ए के रूप में इसका उच्चारण करते हैं. फिर ए कहा औ के रूप में भी उच्चारण करते हैं. तो ये चार मूल ध्वनियाँ हैं ए की जिसमें हम वर्ड्स का उच्चारण करते हैं. पहला है आपका ए की ध्वनि ए, जैसे कि यहाँ पे स्पेलिंग देखिएगा सी ए टी कैट. हम इसे क्या बोलते हैं, कैट. तो यहाँ पे देखेंगे कैट में ए की ध्वनि आ रही है यानी इसका उच्चारण ए के रूप में हो रहा है. फिर सेकेंड है आपका रैट, रैट. इसमें ए आर से र हो गया और टी से ट हो गया. तो ए का उच्चारण क्या हो रहा है यहाँ पे, ए हो रहा है. तो यहाँ रैट, इसका उच्चारण हम कैसे करते हैं, रैट. फिर है आपका एम ए एन मैन, मैन. इसमें भी ए का उच्चारण एन के रूप में हो रहा है, मैं. फिर जो है आपको फोर्थ नंबर लैप, लैप मीन्स बोध होता है. यहाँ भी एन के रूप में इसका उच्चारण हो रहा है, लैप. फिर है आपका मैप, मैप मीन्स होता है नक्शा, मैप मीन्स होता है नक्शा. फिर है आपका लैंड, लैंड. यहाँ भी एन का उच्चारण एन के रूप में हो रहा था. इस तरह के बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिसमें ए का उच्चारण ए के रूप में होता है. जनरली ए का उच्चारण ए के रूप में होता है, लेकिन कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसमें आ के रूप में उच्चारण होता है. अब यहाँ देखेंगे जे ए आर, जा. यहाँ पे ए का क्या उच्चारण आ रहा है, आ. जे फोर जा, आर फोर रा. तो जे ए आर क्या हो गया आपका, जा. फिर सेकेंड है आपका कार, सी ए आर कार. यहाँ पे ए का उच्चारण अ के रूप में हो रहा है. थर्ड है आपका फार, फार. आकर आ के रूप में. फिर है आपका काट, काट, काट. इसी तरह फिर है आपका बाट. लास्ट है आपका लास्ट, लास्ट. यहाँ भी ए आ के रूप में आ रहा है. अब थर्ड है आपका ए, साउंड ऑफ ए एज ए, मतलब ए का उच्चारण ए के रूप में. कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसमें इसका उच्चारण ए के रूप में होते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है सी ए के ई के. यहाँ पे देखिए सी ए के ई के, यहाँ पे ए का उच्चारण ए के रूप में हो रहा है. टेक, टेक. यहाँ पे ए का उच्चारण ए के रूप में हो रहा है. फेस, फेस. उसके बाद है आपका गेट, गेट. फिर है आपका गेव, गेव. ए का उच्चारण ए के रूप में. मेट, मेट भी हो गया. अब लास्ट है आपका ए का उच्चारण औ के रूप में, औ. तो यहाँ पे देखेंगे बी ए डबल ए, इसका उच्चारण हम क्या करते हैं, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या करते हैं, औ, बॉल. तो यहाँ पे देखेंगे ए का उच्चारण औ के रूप में हो रहा है, बॉल. फिर है आपका कॉल, कॉल, ऑल, कॉल, है ना. फिर है आपका कॉल, औ के रूप में कॉल. फिर है बॉ, बॉ. उसके बाद है आपका साट, सॉट, फॉट. इसका क्या उच्चारण करते हैं, फॉट. इस तरह से साउंड ए की बहुत सारी ध्वनियाँ हैं जिस जो आपके बुक में दिया गया है बच्चों, उसे आप देखिए, उसे रिवाइज कीजिए, उसका प्रोनाउंसिएशन कीजिए, उसे अच्छे से रिमेम्बर कीजिए. ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही. हैव अ नाइस डे.